चेक कर। स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हेलो, हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू मैट्रिक्स हाई स्कूल। गजेंद्र, सुशांत, सक्षम, के ब्रो, वेरी गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून, ओ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। ठीक है, चलते रहिए फटाफट से, जब जागो तभी सवेरा। गणेश, वेरी गुड इवनिंग, मी फाइन, ओके। हाँ, मधुमक्खियां दिखाई दे रही है मुझे भी, सही है, टॉपिक ही आज का। हाँ जी, फटाफट से क्लासरूम में आते रहिए। देवांग, हाँ देवांग की फर्स्ट क्लास है, सही बात है, इतनी क्लासें हो चुकी, देवांग हर में एब्सेंट था। गुड इवनिंग चौधरी जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, बाइसेप अच्छे हैं, ठीक है। भूमिका, वॉइस इज बफरिंग, ठीक है, चलते रहिए फटाफट से। हाँ, टॉपिक जो दिया था वही है, सेम टू सेम क्लास में जो डिस्कस किया ऑनलाइन क्लास के अंदर और रिकॉर्डेड लेक्चर में जो टॉपिक जा रहा है, सेम टू सेम वही है, ठीक है। हाँ जी, माही नमस्कार जी, वेरी गुड इवनिंग। सुशांत सिंह राजपूत, गुड इवनिंग। माही, ओके। देवांग, हाँ वेलकम, सही है, टाइम से पहुंच गए क्योंकि आपका सीईपी टेस्ट है, 6 बजे से शुरू हो जाएगा। सब बच्चों ने टेस्ट भी देना है, इससे पहले अपन छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर प्लीज, अगला चैप्टर सेल डिवीजन स्टार्ट करना। हाँ जी सनी, अपना जो टॉपिक चल रहा है सेल, पहले वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में सेल डिवीजन शुरू होगा, क्योंकि अगला स्टेप है ना वो, इसलिए। बलजीत, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। उपेंद्र, हेलो, ठीक है, ओके, तो चलते रहिए। टॉपिक जो है बिल्कुल सिंपल सा है, सेक्स डिटरमाइनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर हमने उसकी कास्ट के बारे में डिस्कस करना है, फैमिली क्या है उसके बारे में, तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। हाँ जी, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, माही बिल्कुल सही कहा आपने, इजी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हनी बी, हनी बी की जो कास्ट देखें तो उसमें हमारे पास 3 मेंबर है, ओके, कोई बात नहीं बच्चे, आप 9th क्लास से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक इन 8th क्लास के अंदर ये टॉपिक। सुशांत सिंह राजपूत, थैंक यू, मैट्रिक्स इज बेस्ट। हाँ जी सही है, नेम इज नॉट सनी, बेटा जी सनी दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखा सनी चौधरी। ऋषभ, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी सुनिए, आज का जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हेडिंग जो अपन देखते हैं वो है सेक्स डिटरमाइनेशन, लेकिन उसी का एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हनी बी के अंदर। तो हमारे जो एनसीईआरटी या नीट के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन अपन एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, डिटरमाइनेशन इन हनी बी, ओके। आपने 8th क्लास में 9th में 11th में अलग अलग तरीके से इनके बारे में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं छोटी लाइन के अंदर एक लिखा होता है कि डिटरमाइनेशन किस गैमीट से किस बेसिस पे होता है, मेल और फीमेल का डिफाइन कैसे होता है। तो सेम वही टॉपिक लेकर चल रहे हैं अपन, यहाँ हनी बी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर अपने फंक्शंस जो है वो शो करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी कोमल, वेरी गुड इवनिंग। क्वीज होगा क्या, अगर नहीं होगा तो क्लास में नहीं रहोगे, गलत बात है ये,
गणेश क्विज तो होगा लेकिन पहले टॉपिक। हाँ सही बात है, आज के क्लास का टॉपिक यही है। सही है, सनी ने बिल्कुल सही कहा। गणेश देखो, मेंटी क्विज ही आज का टॉपिक है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। हनी बी, हनी बी जिसके अंदर हम दो वर्ड यूज करेंगे, एपिज, एपिज डॉर्साटा, एपिज मेलिफेरा। ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं एपिज, एपिज एक जीनस है। और स्पीसीज की बात करें तो यहाँ बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है स्पीसीज से रिलेटेड। सही है, हाँ जी, सुशांत सिंह राजपूत, ओके, वेरी गुड इवनिंग डेविल क्वीन। हाँ जी, क्विज होगा, जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सबको डायरेक्ट 6 लगाना है बेटा जी, बाउंड्री पर कैच करने के लिए बहुत जने खड़े हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। भाई देखो, आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें देखिए ध्यान से। सबसे मिड के अंदर क्वीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्वीन। और एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉन की, तो ड्रॉन। और एक यहाँ पर देखिए वर्कर, तो तीन मेंबर होते हैं हनी बी की फैमिली में, यानी कास्ट ऑफ हनी बी। तो यहाँ देखें, यहाँ कास्ट के अंदर तीन अलग अलग मेंबर प्रेजेंट है, और तीनों की फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। यानी यहाँ पर एक सोशलाइजेशन देखने को मिलता है, जिसमें अपन देख सकते हैं इनका जो वर्क है वो आपस में डिवाइड किया हुआ है, कि इनको जो काम दे दिया वही काम यहाँ पर ये अपना बहुत अच्छे से ठीक तरह से करते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई जिसका जो वर्क है कोई दूसरा आके करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर तीनों के नाम देखने हैं। सबसे पहले आपने, यहाँ क्वीन है, किंग नहीं है, ये याद रखना आपने। टर्माइट्स जब आप स्टडी करोगे तो टर्माइट्स के अंदर किंग होता है, लेकिन यहाँ पर किंग नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनना सब बच्चे। क्वीन फीमेल, यानी सेक्स कौन सा है, फीमेल। सेम टू सेम यहाँ वर्कर के लिए, वर्कर भी फीमेल है, तो कन्फ्यूजन तो यही हो गया। अगर फीमेल की बात आएगी तो फीमेल में यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक तो है वर्कर और सेकेंड कौन सा है, क्वीन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ड्रॉन, ड्रॉन के लिए हमेशा याद रखना आप, ड्रॉन मेल है, ठीक है ना? हाँ जी, वेरी गुड महेश कुमार, डन। टॉपिक को समझते रहो, इसी में से क्वेश्चन है सारे। मेंटी क्विज का जो टॉपिक है जेनेटिक्स, उसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट तो हमारा जेनेटिक्स है, टॉपिक भी जेनेटिक्स है, सब टॉपिक भी जेनेटिक्स है, और इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है। उस मटेरियल में से हमने एक टॉपिक निकाला अलग से, ठीक है ना? सब बच्चों को ध्यान है, जेनेटिक्स की एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें से हमने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ डिस्कस करने के लिए निकाला है, वेरी गुड। तो देखते रहिए, इसी में से मेंटी क्विज होंगे, ओके? तो देखो, ड्रॉन, क्वीन और वर्कर, ये तीन पॉइंट समझ आ गए ना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ध्यान से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे पहले तो आपको क्रोमोसोम के नंबर याद करने हैं। इन ह्यूमन बॉडी अगर देखें, ह्यूमन बॉडी में डिप्लोइड स्ट्रक्चर में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर हनी बी के लिए, तो हनी बी के अंदर 36 क्रोमोसोम। सही बोल रहे हैं ना, 36? चलो चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, देखते हैं कौन सही लिखता है, जल्दी लिखो फटाफट चैट बॉक्स में, सब बच्चे आंसर लिखो। डिप्लॉयड कंडीशन क्या रहती है हनी बी में? सनी, 46 इन ह्यूमन बींग। सब बच्चे फटाफट से लिखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर हनी बी की। हनी बी के अंदर डिप्लॉयड जो कंडीशन है, डिप्लॉयड जो कंडीशन है वहां पर क्रोमोसोम के जो नंबर्स है वो कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन हनी बी? फटाफट से आंसर लिखते रहो। उपेंद्र, उपेंद्र सिंह शेखावत, आंसर बिल्कुल गलत आपका, बिल्कुल गलत, 0। नहीं, आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपका आंसर माइनस में जा रहा है, देखो। हाँ जी, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं, गजेंद्र, सक्षम, सनी,
एरिया ऑफ स्टडी, वेरी गुड। आशीष, कोमल, दीपिका, शियाग जी, देवांग, वेरी गुड। सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, 36। याद रखना आपने यहाँ पर 36। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत गलत गलत। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए हम हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले याद रखो, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं डिप्लॉइड कंडीशन, डिप्लॉइड, और सेकंड यहां पर हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है बहुत अच्छे से, सब बच्चों को याद भी है कि ड्रॉन जो होते हैं ना, ड्रॉन यानी मेल की बात कर रहा हूं, मेल के फादर नहीं होते हैं, याद है ना सब बच्चों को, एक बार डन करो। हाँ सब बच्चे डन करो। याद रखो सबसे पहले कि जो मेल है, मेल जो कंडीशन है उसके अंदर मदर प्रेजेंट है, फादर नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ, पार्थेनोजेनेसिस। याद रखेंगे ड्रॉन जो है उसकी सिर्फ मदर है, फादर नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है ये। क्लियर करना इस पॉइंट को अच्छे से। देखो ध्यान से, यहां पर लिखा उन्होंने डिप्लॉइड कंडीशन, यहां पर लिखा है हैप्लॉइड। तो सेम कंडीशन यहां पर है कि ये जो हनी बी है यानी क्वीन, क्वीन दो टाइप के यहां पर एग ले करेगी, है ना। तो दो टाइप के कौन से हैं, देखो सबसे पहले 32 क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम। अगर 32 है तो यहां पर प्रोसेस कौन सी होगी, मियोसिस, यानी डिवीजन का टाइप कौन सा होगा, मियोसिस। तो दो टाइप के यहां पर एग फॉर्म्ड होंगे, कौन से देखो, 16 16, सही है बिल्कुल, ठीक है। और नेक्स्ट देखो यहां पर, यहां पर सिंगल ये जो 16 लिखा है ये किसके लिए लिखा है उन्होंने, ड्रॉन के लिए, क्योंकि ड्रॉन में एक ही टाइप के यहां पर स्पर्म फॉर्म्ड होंगे, और किस प्रोसेस से, माइटोसिस से, माइटोसिस नोट करेंगे यहां पर, माइटोसिस। ड्रॉन में स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, सेल डिवीजन का कौन सा पार्ट होगा यहां पर, माइटोसिस, क्योंकि 16 से 16 का ही यानी 16 टाइप वाला ही स्पर्म फॉर्म्ड होगा। क्लियर नहीं पॉइंट। नेक्स्ट यहां पर 32 है, तो 32 के लिए आप याद रखोगे यहां मियोसिस, और मियोसिस के अंदर रिजल्ट क्या मिलेगा, 16 और 16, यानी क्रोमोसोम का नंबर हमेशा हाफ होता है इन मियोसिस। चलिए ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को, तो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, पार्थेनोजेनेसिस। सही है देवांग, पार्थेनोजेनेसिस, और ये तो है एनिमल्स के लिए। अगर हम बात करें प्लांट्स के लिए तो वहां पर फ्रूट होते हैं पार्थेनोकार्पिक, जैसे बनाना, ओके। हाँ जी बॉस बिल्कुल सही है, 16 क्रोमोसोम, हाँ सही है बिल्कुल। तो नोट करेंगे यहां पर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन कौन कौन सी है, अगर 16 है तो ये कंडीशन होगी अपने पास हैप्लॉइड, और अगर 32 है तो ये कंडीशन कौन सी होगी, डिप्लॉइड कंडीशन। क्लियर करो पॉइंट को अच्छे से। और यहां पर क्वीन की बात कर रहे हैं, क्वीन यहां पर दो कंडीशन शो कर रही है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। चलिए देखिए नेक्स्ट, वर्कर जेली और सिंपल अगर जेली की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो रानी है यानी क्वीन, क्वीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके लिए आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, जेली। जिसको जेली की अमाउंट बहुत ज्यादा मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ जेली, वो तो होगी क्वीन, और जिसको ये अमाउंट बहुत ही नेग्लिएबल, बहुत ही कम मिलेगी, उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा बताओ, वो वर्कर में कन्वर्ट होंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, क्रोमोसोम नंबर 32 है तो वो फीमेल, लेकिन उसके अंदर रॉयल जेली जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करना है सब बच्चों ने। अब देखिए हनी भी जो है वो अपने फूड के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए, देखिए ध्यान से, अब देखिए ये इनके जो कॉम्ब बने हुए हैं उनमें आर्टिफिशियल कॉम्ब है, इनके अंदर देखो आप यहां पर ये इन्वायरमेंट में बहुत हाईली यानी अपन देख सकते हैं 70 फिट तक जो है ये अपनी एक्टिविटीज को शो करती है, चाहे वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे फूड फाइंडिंग से हो, चाहे वो अपने नए हाउस की
जो मतलब फॉर्मेशन करना है, यानी आपको मालूम है कि एक जो कॉम्ब है उसके अंदर एक ही टाइप की रानी होती है और वहां पर दो क्वीन कभी भी रह नहीं सकती, ये याद रखना आपने। तो एक ही टाइप की जो है यहां से ट्रैवल करते हुए अपने दूसरे कॉम की तरफ जाती है, ठीक है। तो क्लियर करना इस पॉइंट को कि ये यहां से लगभग 70 फीट की हाइट पर ट्रैवल करती है, और याद रखना है कि एक्टिविटी जो भी रहती है उसके अंदर हर वर्कर का पार्टिसिपेट अलग अलग होता है। तो रानी के पीछे ये सारे हैं, यानी कमांड कौन देगा यहां पर, क्वीन, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर ड्रॉन, ड्रॉन के लिए देखिए ये पॉइंट अच्छे से नोट करना है भाई ड्रॉन के लिए, क्योंकि देखिए रानी जो है उसमें एक पॉकेट बनी हुई है, ध्यान से देखो ये वाली पॉकेट जिसको बोलते हैं अपन स्पर्मेथिका, नोट करेंगे स्पर्मेथिका। और ड्रॉन क्या है, मेल, तो मेल में जो गैमीट्स बनते हैं वो होते हैं स्पर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन से स्पर्म की फॉर्मेशन, और ये स्पर्म है 16 वाले, ठीक है। अब मैटिंग के जो टाइम होगा, मैटिंग उस कंडीशन के अंदर ये स्पर्म इस पॉकेट के अंदर ट्रांसफर होंगे, तो स्पर्मेथिका जो है यहाँ पर ये स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं, और जब इनका नया कॉम तैयार हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वहां पर फर्टिलाइज्ड, यानी स्पर्म और एग, क्योंकि ओवरी तो ये है ना, ध्यान से देखो ओवरी, तो ओवरी और एग यहां पर बिल्कुल एक क्लियर कंडीशन शो कर रहे हैं जिसमें जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और उसे वहां पर कॉम के अंदर जो हेक्साकोनल स्ट्रक्चर होगी वहां पर ले करना है। ये काम है रानी का, यानी किसका, क्वीन का। वर्कर भी फीमेल है, क्वीन भी फीमेल है, याद रखना ये चीज, ठीक है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक रॉयल जेली याद रखेंगे, रॉयल जेली, उसी से इनका डेवलपमेंट हुआ है। क्वीन का डेवलपमेंट किससे हो रहा है, रॉयल जेली से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्पर्मेथिका दैट स्टोर स्पर्म, और कितने यहां पर स्पर्म है, बहुत सारे, बहुत सारे स्पर्म है यहां पर। और ये स्पर्म स्टोर होने के बाद में, यानी जब इनकी फ्यूजन का टाइम आएगा और फ्यूजन के बाद में जो कॉम रेडी होगा उस कंडीशन में यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के जो इसके छोटे छोटे रूम बने होंगे उनमें इनको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो कंडीशन आपको याद होगी है। अब क्या होगा, देखो इस पॉइंट को समझ लीजिए, फिर बहुत इजी है। देखो हमने कंडीशन 32 अप्लाई की है, किसके लिए, क्वीन के लिए, और 16 ड्रॉन के लिए। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हो गया। 32 में आप देख सकते हो मियोसिस कंडीशन, मियोसिस, इन मियोसिस 16 एंड 16 टू टाइप एग फॉर्म्ड इन ड्रॉन गैमेटोजेनेसिस फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, माइटोसिस। तो यहां पर जो स्पर्म बन रहे हैं उनके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 16। अब आप देख सकते हैं यहां पर 16 और 16, यानी स्पर्म और एग इन दोनों के फ्यूजन से 32, 32, यानी दोनों का फ्यूजन हो रहा है। तो कंडीशन क्या है यहां पर, डिप्लोइड कंडीशन, सब बच्चे ध्यान से सुनते रहें, डिप्लोइड कंडीशन। उपेंद्र, सनी भी, प्लीज क्लास लगाओ, केब्रो क्लास चल रही है, अच्छे से चल रही है, टॉपिक को समझते रहो। क्वीन ईट रॉयल जेली, माही बिल्कुल सही कह रहे हो, रानी, रानी को फॉर्मेशन के लिए अपन कह सकते हैं रॉयल जेली जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी गजेंद्र, ओके सर, दूसरा कलर यूज करो, ओके ठीक है, ब्लैक, रेड, रेड सही है। देखो ध्यान से यहां पर ये जो कंडीशन आई है 32, ये है फीमेल, अभी इसके अंदर क्वीन है या फिर वर्कर अभी डिसाइड नहीं है, ध्यान से सुने, यहां पर अभी डिसाइड नहीं है। अब क्लियर है सब बच्चों को, ध्यान से देखो, ओके ठीक है। तो 32 की जो कंडीशन है उस कंडीशन में आप देख सकते हो फीमेल, अगर इसको रॉयल जेली मिलती है, रॉयल जेली, रॉयल जेली क्या है, रॉयल जेली वर्कर, पेन का कलर चेंज करो बेटा जी, रेड कलर नहीं दिख रहा है क्या,
सही दिख रहे हैं ना? ओके है, वेरी गुड, 5 स्टार, थैंक यू मैम। बच्चों 5 स्टार के साथ किटकैट भी है। के ब्रो, यस, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर रॉयल जेली जिसको मिलेगी वो होगी क्वीन, यानी फीमेल जो है उसका मॉडिफिकेशन। अगर यहाँ रॉयल जेली प्रोवाइड होगी तो क्वीन, अगर नहीं मिलेगी तो वो होंगे सारे वर्कर, यानी वर्कर फीमेल। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर रानी यानी क्वीन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको फूड में क्या मिला है? रॉयल जेली। और नहीं मिला तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे? वर्कर। एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब 16 की बात कीजिए। ये 16 जो है ये बिना फ्यूजन के, नोट करेंगे, विदाउट फ्यूजन एग कन्वर्ट इनटू मेल ड्रॉन। नोट करेंगे यहां पर, बिना फ्यूजन के ड्रॉन में फॉर्म्ड हो रहा है, यानी इसके फादर नहीं है। नोट करेंगे, नीट का क्वेश्चन है, इसके फादर नहीं है लेकिन मदर है, ध्यान रखना, समझ गए ना? और रिलेशन की बात और देखें तो सब बच्चों को ध्यान है, नाना नानी प्रेजेंट है, दादा दादी नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना? तो ये कंडीशन आप सब बच्चों को याद होगी होगी, इस ड्रॉन के फादर नहीं है, ठीक है? तो ये कंडीशन है पार्थेनोजिनेसिस, नोट कर लीजिए सब बच्चे, पार्थेनो जिनेसिस, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर बिना फ्यूजन के नए ऑर्गेनिज्म, या अपन कह सकते हैं एग जो है वो फॉर्म्ड होता है किसमें? मेल के अंदर, मेल में कन्वर्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो ये कंडीशन है पार्थेनो जिनेसिस। सब बच्चों को ये अच्छे से क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर फर्टिलाइज्ड और नॉट फर्टिलाइज्ड दो कंडीशन दी जिसके अंदर हमने अच्छे से देख लिया। ध्यान से देखते रहिए, फटाफट से इसको समझते रहिए, जल्दी से। कंडीशन है फर्टिलाइज्ड और नॉट फर्टिलाइज्ड। जब यहाँ नॉट फर्टिलाइज्ड कंडीशन आएगी तो पार्थेनोजिनेसिस, जिसमें ड्रॉन की फॉर्मेशन होती है, ड्रॉन, क्लियर है ना सब बच्चों को? ड्रॉन तो क्लियर है ना? अगर फर्टिलाइज कंडीशन आएगी तो आपको मालूम है कि वर्कर 32 क्रोमोसोम, और नॉट फर्टिलाइज देन ड्रॉन फॉर्म्ड। वेरी गुड श्रुति, पार्थेनोजिनेसिस, पार्थेनोजिनेसिस। कंडीशन देख लीजिए, यहां पर हेक्सागोनल जो चैम्बर बने हैं उनके अंदर ये अपना मटेरियल यानी कि अपनी जो जेली है उसको इकट्ठा करते हैं ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता रहे। जितने भी छोटे छोटे ये निम्फ जिसको अपन कहते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, यानी अपन सिंपल भाषा में बोले तो उनके ऊपर विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे कैटरपिलर टाइप से होते हैं। तो इनके ऊपर जो जेली, जो मतलब स्लाइवा प्लस में नेक्टर है, उसको इकट्ठा करके यहाँ पर इन कॉम के अंदर स्टोरेज किया जाता है और वो इनका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्लस में फ्लावर्स नेक्टर दोनों का स्टोर किया जाता है बक्कल कैविटी में। ध्यान से सुने इस पॉइंट को, बक्कल कैविटी यानी माउथ की जो कैविटी है उस कैविटी में स्लाइवा प्लस नेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्कर जेली। अब देखो वर्कर जेली इस टाइप से है, ये जेली जिसको मिलेगी ना वो तो हो गया रानी में कन्वर्ट, और जिसको नहीं मिलेगी वो सारे के सारे क्या होंगे? क्या होंगे? वो वर्कर होंगे। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर करना है। आप देख सकते हो क्वीन लार्वा जो है उसको कितनी जेली मिल रही है और यहां पर नहीं है। ऐसी कंडीशन जो प्रोवाइड होगी उसमें क्वीन और वर्कर दोनों का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब डिटरमिनेशन होता है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता है, आप साइकिल कंप्लीट देख सकते हो, 21 डेज के अंदर ये अपना जो साइकिल है कंप्लीट करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है जिसमें 28 डेज भी लग रहे हैं, तो 21 से 28 भी है, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं वो 21 तक है। तो 28 भी सही है, बहुत बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन 28 और 21 ये अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? 21 डेज सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, फटाफट से इस चार्ट को देखते रहें, इसे कंप्लीट करें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो रानी और वर्कर दोनों का डिसाइड हो गया, और ये देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है, जो नेक्टर इकट्ठा किया है वो सारा का सारा मटेरियल किसके काम आ रहा है? यहाँ पर इन बच्चों के काम आ रहा है, लेकिन हम भी इनका यूज करते हैं, यानी जब इसका मॉडिफिकेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी अमाइलेज,
अभी बताऊंगा मैं आपको ये कंडीशन क्या है। आप देख सकते हो, ये देखो एक छोटा सा लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और जैसे जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलेगा वैसे वैसे ये डेवलप होगा और अपने इस चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव लेयर है उससे बाहर आएगा। अनिल, वेरी गुड। गजेंद्र, टोक्यो ओलंपिक। हाँ, हम ओलंपिक में पहुंच चुके हैं, देखो सही बात है। जापान में हो ना अभी, वेरी गुड। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपने देख लिया कि यहाँ पर क्वीन, वर्कर और ड्रोन किस तरीके से डेवलप होते हैं, और कुछ हार्मोन भी यहाँ रोल प्ले करते हैं जिनसे इनका डेवलपमेंट होता है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है सर? सर आ गया समझ। ओके अंकुर सर, ओके सर, युद्ध, ओके ओलंपिक में युद्ध चल रहा है, सही बात है। इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, सही बात है, वेरी गुड। नहीं, हम तो इंडिया को नहीं कर रहे ना। हाँ नहीं, हम तो बाहर से आए हैं, दूसरी दुनिया से आए हैं, एलियन हम तो। सही है, कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करो और मेडल लेके आओ, 5 स्टार लेके आओ। हाँ किटकैट भी, सही बात है, किटकैट भी लेके आओ, वेरी गुड। तो टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, पहले डन कर दो, फिर इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करते हैं। ओ मैट्रिक्स जापान तक पहुंच गया है, सही बात है। मैट्रिक्स के कुछ बच्चे जो है जापान में ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर अपना डिजिटल जो प्रचार है वो कर रहे हैं मैट्रिक्स का, क्योंकि अपनी नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है आपको मालूम होगा, और एडमिशन भी स्टार्ट है, क्लासेस भी शुरू है। तो डिजिटल क्लासेस आपको मालूम है हम जापान में बैठे भी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। चलिए तो यहाँ का ये टॉपिक हुआ फिनिश, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चंस राउंड पे। तो मेंटी क्विज के लिए तैयार हो सब बच्चे? ओके ठीक है, तो मेंटी डॉट कॉम पर स्वागत है सब बच्चों का, मैट्रिक्स हाई स्कूल में स्वागत है सब बच्चों का। ठीक है ठीक है, सही है, चलते रहिए फटाफट से। वेलकम टू मेंटी क्विज राउंड रिलेटेड टू एपिकल्चर। सब बच्चे फटाफट से सामने लिखे हुए कोड से पास कोड, पास कोड इज 3590704। सब स्टूडेंट फटाफट से मेंटी डॉट कॉम पर जाकर अपना नाम चेंज कर लें, है ना, जैसे ऑनलाइन क्लास में बोल रहे थे वायरस फर्स्ट वायरस सेकंड। अरे खुद का नाम रखा करो, देखा देख दूसरों से, मतलब आप नाम चेंज करके आ रहे हो, फिर क्या होगा उससे? मुझे तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई किस बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। तो खुद का नाम रखे ना आप, ये क्या लिख रहे हो आयरन मैन? कौन है मेरी क्लास में आयरन मैन बताओ, जल्दी लिखो। बच्चे फटाफट से ऐड होते रहो। हाँ जी फटाफट से, वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए हैं और स्टार्ट करते हैं फिर अपन, जल्दी ऐड हो। 3590704। साथ साथ में YouTube पर भी लाइक ठोकते रहना, ओके। देखिए बच्चे आज जो सीईपी है, सब बच्चों को पहले तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चन करने हैं। बायो के 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 करके आओगे और 19 कोई नहीं करके आएगा, सही भी 20 होने चाहिए, 19 किसी के सही नहीं होने चाहिए, समझ गए ना? डन, बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं और अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी सब बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन।
amongst the honey bee the worker are. Time's up. देखते हैं कितने बच्चों ने फास्ट आंसर दिए. सही तो बहुत बच्चों ने दिए, लेकिन फास्ट आंसर देने वाले कौन होंगे? सही है ना? तो आपको आंसर तो मालूम हो ही गया होगा. क्या आंसर बताओ? फीमेल. तो बच्चों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहां पर जो कंडीशन रहती है वर्कर के लिए वो है फीमेल. तो याद रखो फीमेल, ठीक है ना? अभी बार बार मैंने आपको यही चीज बताई है कि फीमेल कंडीशन रहती है यहां पर. तो देखते हैं सबसे पहले आंसर देने वाले कौन है और सबसे बाद में आंसर देने वाले कौन है. तो लीडर बोर्ड में आप देख सकते हो साइलेंट किलर. साइलेंट किलर ने सबसे फास्ट आंसर दिया है. सर सनी इज नॉट चीटिंग. सनी कोई चीटिंग नहीं करता है, फिर भी उसके 973 मार्क्स आए हैं भाई. वेरी गुड कोमल, 928. गजेंद्र सिंह शेखावत 936. लॉलीपॉप कौन है भाई? हाँ जी, सब बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया. देखो मैंने आपको कहा तीन कास्ट होती है, तीन में से फीमेल, फीमेल की बात कर रहे हैं. तो फीमेल क्या है? वर्कर. और फीमेल ही क्वीन है. दोनों में डिफरेंस याद रखना. ये क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट से. सब बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़कर फिर आंसर देना है. देखो एपिस डोरसाटा इज यूज टू रेफर टू. सामने आंसर लिखा हुआ ध्यान से देखो. बैक वॉलपेपर पे देखो, वॉलपेपर पे फटाफट से वॉलपेपर पे आंसर देखो क्या लिखा हुआ है. वॉलपेपर पे पीछे वॉलपेपर पे बहुत सारी चट्टाने दिख रही है, वही आंसर है. देखो फटाफट से. ओ किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया, ध्यान से देखो. मैंने कहा पीछे वॉलपेपर पे, वॉलपेपर पे क्या है? बहुत सारे रॉक्स दिख रहे हैं, चट्टाने दिख रही है. देखो इसका मतलब आंसर क्या है? रॉक बी. तो एपिस डोरसाटा, एपिस यहां पर जीनस है, डोरसाटा स्पीसीज है. हनी बी, हनी बी में हनी कलेक्शन के लिए इस बी का यूज किया जाता है. समझे सब बच्चे? तो फटाफट से देखो यहां पर लीडर बोर्ड में कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है. तो यहां पर साइलेंट किलर ने फिर से बाजी मार ली है. ओ आशीष, गुड, वेरी गुड आशीष. आशीष गुड, आप समझ गए मेरा इशारा. पीछे जो रॉक, रॉक जो है वो आंसर बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए भाई फटाफट से. क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री. द हनी बी इज ऑफ ग्रेटेस्ट यूज टू मैनकाइंड. हनी बी किस पर्पज से यहां सबसे ज्यादा यूज की जाती है या यूज आती है मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन के लिए कैसे यूज आती है? फटाफट से देखो. इट इज द मेडिसिनल बेनिफिट, क्रॉस पॉलिनेशन एंड हनी फ्रॉम देम एंड नन ऑफ दीज. टाइम्स अप. वाओ, सब बच्चों ने कहा कि उससे हनी मिलता है. अरे बच्चों कैसे समझाऊं आपको. भूमिका, सनी, अनिल, दीपिका, सनी, कोमल. बच्चों बिल्कुल सिंपल था. प्लांट, प्लांट पर क्या होते हैं? फ्लावर्स. और फ्लावर्स पर क्या होता है? नेक्टर. इसका मतलब नेक्टर लाने के लिए हनी भी जब उस पर जाएगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा. पहले क्रॉस पॉलिनेशन, यानी हम ह्यूमंस के लिए जो फूड तैयार होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट मिलता है फ्रूट एंड सीड, वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट बाय हनी बी. याद रखो ये हमेशा. अरे शहद तो दूसरा, मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट है ना वो शहद है, हनी है. फिर हनी से बाद में देखें मेडिसिन बनाते हैं तो वो तीसरा हो जाएगा. तो मेन पर्पस तो क्या हुआ? मेन तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ ना. अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है फिर हनी कहां से लाओगे? इसका मतलब हनी बी जो है उसका मेन जो टारगेट रहता है वो तो नेक्टर है, लेकिन हमारे लिए क्या मेन यूज हो रहा है? वो है क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि जो क्रॉप्स है उनसे हमें प्रोडक्ट मिले. समझे? आंसर देखते हैं किस बच्चे ने सबसे पहले और सबसे फास्ट आंसर दिए. तो यहां पर आशीष तो पहले थे, लेकिन अब देखते हैं कौन है यहां पर. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर आशीष ही भाई पहले पे, क्योंकि आंसर किसी ने दिया ही नहीं था, सही आंसर किसी ने नहीं दिया था, इसीलिए आशीष ही टॉप पर है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ हनी इज, हनी की नेचर कैसी होती है। अपना थोड़ा सा माइंड यूज करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और फटाफट से आंसर देना। एसिडिक एल्कली नेचुरल टर्न बेसिक आफ्टर ए फ्यू डेज, फटाफट से आंसर दो। टाइम्स अप। अब जिस बच्चे ने मेरी बात सुनी होगी ना, उसने आंसर सही दिया होगा। कैसे, ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा कि स्लाइवा बक्कल कैविटा में क्या होती है, स्लाइवा होती है, और वो फूलों का जो नेक्टर है वो इकट्ठा करके ला रही है ना, दो पॉइंट हो गए ना। तो आप सोच के देखो मुंह में जो स्लाइवा है उस स्लाइवा की पीएच क्या रहती है, अपने अंदर क्या रहती है, एसिडिक होती है कि नहीं होती, होती है ना 6.8 तक, यानी अपन कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं ना। तो वही कंडीशन यहां पर होती है। तो देखते हैं किन बच्चों ने सही आंसर दिया है। साइलेंट किलर सर, सनी इज नॉट चीटिंग, कोमल खुद का नाम, साइलेंट किलर ने सबसे पहले आंसर दिया है। आशीष जो है फोर्थ नंबर पे आ गए जो पहले पर थे। चलिए कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए, सही होना चाहिए लास्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन है और सब बच्चों का सही होना चाहिए भी, फटाफट से, बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, हनी इज, हनी क्या है, जल्दी से बताओ हनी क्या है। अभी मैंने आंसर बताया आपको, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आंसर बताया आपको, हनी क्या है, फटाफट से बताइए। अभी लास्ट क्वेश्चन में आंसर बताया मैंने इसका। 3, 2, 1, टाइम्स अप। वाओ, 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया, वो समझ गए होंगे बक्कल कैविटी में स्लाइवा होती है और प्लस में नेक्टर कलेक्शन होता है फ्लावर से, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर जो सही आंसर देने वाले हैं और जो सबसे फास्ट देने वाले हैं वो है यहां पर साइलेंट किलर, और इस मेंटी क्विज का जो विनर है वो भी है साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन दे दो और फटाफट से menti.com खोल के बैठ जाओ दूसरे राउंड के लिए। दूसरा जो राउंड है ना उसके लिए जल्दी से menti.com खोल के बैठ जाओ जल्दी से, और फटाफट YouTube पर किटकैट और स्टार फटाफट से भेज दो कि मेंटी क्विज अच्छी थी या नहीं थी, फटाफट से भेजो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में से ही क्वेश्चन होंगे, जल्दी फटाफट से। वेरी गुड शुभम यादव, हेलो शुभम, फटाफट से menti.com ज्वाइन करो और मैं आपको अभी एक कोड बताऊंगा, वो कोड जो है उससे आपकी एंट्री होगी, जल्दी से फटाफट से। वेरी गुड, साइलेंट किलर को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू साइलेंट किलर। वैसे साइलेंट किलर है कौन, किटकैट, किटकैट 5 स्टार, वेरी गुड, सेकेंड रैंक सनी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी से आइए menti.com पर, अपन सेकंड पे बात करते हैं अब। वैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, अगर इसका आंसर पता है तो आपको एक बार बता दो, अगर मालूम है तो। व्हाट इज एपिकल्चर, एपिकल्चर क्या है। ओ 100% रियरिंग ऑफ बी, सही है बिल्कुल। तो याद रखना है मधुमक्खियां जो है ना उनको पालना क्या होता है, एपिकल्चर, कल्चर ऑफ हनी बी, सही है। चलिए menti.com पर आते हैं वापस से। फटाफट से menti.com पर menti.com लिखिए और उसके बाद में पहली स्लाइड पर आ जाइए सारे। हाँ जी, जल्दी से कोड लगाइए, सामने कोड दे रखा आपको 9828658, 9828658। देवांग ने चीटिंग कर ली, देवांग ने आंसर देख लिया, सही है मुझे मालूम था। सनी ने भी आंसर देख लिया, डबल ए लगा दिया है, कोई बात नहीं। साइलेंट किलर इज साइलेंट किलर, साइलेंट किलर जो है वो साइलेंट किलर ही है, सही है। दोनों साइड फटाफट से एंटर करते रहो, जल्दी जल्दी चलते रहो भाई, फटाफट से
अरे टुक टुक करके नहीं आना, बारिश में तैर के आना है उपेंद्र। एक छोटी सी बोट ले लो, रोज जरूरत पड़ेगी। पिछले का आंसर है ना ये, पता नहीं मुझे किसका आंसर है, लेकिन जो भी है एक बार आप फटाफट से ज्वाइन करो, फिर अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहता है, और जल्दी खत्म करो क्योंकि 6 बजे आपका सीईपी स्टार्ट होने वाला है। सब बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, बेस्ट ऑफ लक सब बच्चों को, और मैट्रिक्स हाई स्कूल में आपका स्वागत है। सीईपी टेस्ट देते रहिए और ऑनलाइन स्टडी करते रहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहें। क्लियर है ना सारे बच्चों को ये पॉइंट? तो मेरी बात ध्यान से, कोरोना से बचते रहिए, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते रहिए बार बार, ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना? तो सब चीज़ों का ध्यान में रखना आपने। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड राउंड। टॉपिक वही था जो हम लास्ट क्लास में लेकर चले थे, रेस्पिरेशन इन प्लांट। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है? तो आपने याद रखना यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब पायरुविक एसिड तक की फॉर्मेशन होती है तब तक वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन की जरूरत कहां पड़ेगी? क्रेब साइकिल के अंदर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो नोन एज, ग्लाइकोलाइसिस को और क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से देखकर बताइए, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है? साइंटिस्ट बेस है, ध्यान रखना, साइंटिस्ट जो है उनके बेस पर है। जल्दी से सनी, अगला चैप्टर जो है वो सेल डिवीजन ही करवाऊंगा, श्योर है, डन है, लेकिन पहले सेल वाला चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद। सनी कौन सी क्लास में हो आप, जल्दी बताओ फटाफट से। 11th क्लास में हो? यस या नो, जल्दी लिखो फटाफट। सनी जल्दी लिखो फटाफट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, फटाफट से बताओ कौन सी क्लास के अंदर हो ताकि मैं सेल डिवीजन शुरू कर सकूं। रिकॉर्डेड जो लेक्चर जा रहे हैं उनके अंदर 9th क्लास में हो क्या? सनी 9th में हो तो सेल डिवीजन जो है वो मैं यहाँ पर वन शॉट के अंदर करवाऊंगा, ठीक है? वन शॉट के अंदर, एक क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक। तो सब बच्चों को, 11th वाले जितने भी बच्चे हैं वो कंपलसरी यहाँ पर ऐड होंगे, याद रखना, 11th वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे सेल डिवीजन चैप्टर करने के लिए कंपलसरी ऐड होंगे। उनके सीईपी के अंदर नेक्स्ट में यही चैप्टर आएगा, सेल डिवीजन और सेल। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। सेकेंड, 12th वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ प्रेजेंट रहेंगे 5 to 6 सेल डिवीजन के टाइम, क्लियर है ना? और 9th वाले जो बच्चे हैं वो सेल डिवीजन एजीएम वाले बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, ऐड होंगे क्लास के अंदर। क्वेश्चंस राउंड भी होगा और थ्योरी राउंड भी होगा, ठीक है? फटाफट से देखो रिजल्ट क्या रहता है यहाँ पर। साइलेंट किलर, सबसे टॉप पर जो थे साइलेंट किलर, शायद अभी भी साइलेंट ही बने हुए हैं, और देखते हैं पहली रैंक पर कौन है। साइलेंट किलर ही पहली रैंक पर है, सबसे फास्टेस्ट, बाकी बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से आंसर दे रहे हैं। खुद का नाम, वाओ, सेंटीपीड, डॉक्टर सेंटीपीड, वेरी गुड। साइलेंट किलर दो आ गए हैं भाई अब। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और सब बच्चे उसका आंसर दे देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसा इजी क्वेश्चन जिस पर 9th वाले बच्चे जो है फटाफट से आंसर देंगे। सनी सर थ्योरी रहने दो बट मेंटी करवा दो, दीपक सर ने पढ़ा दिया। अच्छा मेंटी करवानी है क्या? चलो कोई बात नहीं, सेल डिवीजन की मेंटी नेक्स्ट, मेरी जब टर्न आएगी तो मैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए, द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय, कहां पर होती है जल्दी से बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लैपिंग कर रहा हूं सब बच्चों के लिए जिन्होंने, 17 बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, और बाकी जिन बच्चों ने रॉन्ग दिए हैं प्लीज वो अपने कंसेप्ट क्लियर करें भाई। मैं माइटोकॉन्ड्रिया बार बार बोल रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर देखिए यहाँ पर, साइलेंट किलर फिर से टॉप पोजीशन पर, सबसे फास्टेस्ट आंसर दिया। सनी विल टेक बदला, सनी बदला लेगा भाई, सनी बदला ले रहा है। भूमिका मौलिक, साइलेंट किलर सेकंड, फ्रॉस्टी, गजेंद्र, खुद का नाम, श्रेयांश और सक्षम, ये बच्चे यहाँ टॉप पर बने हुए हैं भाई।
कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। उत्कर्ष कहाँ गया, कोमल कहाँ है, आंसर नहीं दे रहे हो भाई सही, देवांग। क्वेश्चन नंबर थ्री, काउंटडाउन स्टार्ट। देवांग, देवांग को कंफर्म है कि ए होगा आंसर, वेरी गुड। देखते हैं ए है क्या। ए तो मत लगाना बच्चों, गलत है बिल्कुल ही। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्रेव साइकिल इज, क्रेव साइकिल का एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है। फटाफट से आंसर देते रहिए, और आंसर आपने दे दिया है। देखते हैं फर्स्ट कौन है यहां पर, फर्स्ट देखते हैं कौन है। जल्दी से देखिए भाई, साइलेंट किलर फिर से साइलेंट बना हुआ है, और भूमिका सेकंड पोजीशन पर है। फ्रॉस्टी ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड फ्रॉस्टी। लेकिन साइलेंट किलर फिर भी अपनी फर्स्ट पोजीशन पर है। गजेंद्र सही है बिल्कुल, खुद का नाम। फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए भी फोर्थ क्वेश्चन का, अपन को सीईपी के लिए रेडी होना है, कुछ टाइम बचा सीईपी का भी। जल्दी से, इज द प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म्ड होता है, जल्दी से बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना। एन एरोबिक रेस्पिरेशन पूछा आपसे बिना ऑक्सीजन के। टाइम्स अप, वाओ, सात बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, और वो बच्चे कौन है फटाफट से देख लेते हैं अपन। यहां पर फिर से साइलेंट किलर आगे भाग रहा है, खुद का नाम। फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला, फिजिक्स वाला भाई, यहां पर फिजिक्स वाला जो है थर्ड पोजीशन पर आ गया है, वेरी गुड। फिजिक्स वाला हमारी मेंटी में शामिल हो गया, देखो फिजिक्स वाला, वाओ। नेक्स्ट लास्ट और फाइव फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। फिफ्थ क्वेश्चन में जो आएगा वो ही टॉप होगा। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कौन है टॉप, जल्दी से आंसर देना सब बच्चों ने। एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म है सिक्स कार्बन कंपाउंड आफ्टर द कंबाइनिंग विद, किससे जुड़कर ये को एसिटिल कोएंजाइम में बनाता है। ऑक्सीजन से जुड़ता है क्या, पायरोविक से, सिट्रिक से, ओ ए ए से, ओ ए ए ए से, ओ ए ए ए से, याद है कुछ, ओ ए ए ए से। वाओ, आंसर बता दिया, फिर भी यहां पर बच्चे जो है गलत कर रहे हैं। अरे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब कंबाइन होगा तभी तो जाकर के सिट्रिक एसिड बनेगा, गलत कर दिया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते भाई। चलिए देखते हैं यहां पर आज का विनर कौन है। साइलेंट किलर फर्स्ट पोजीशन पर है, खुद का नाम। साइलेंट किलर सेकंड, और पहला साइलेंट किलर फर्स्ट पोजीशन पर और दूसरा थर्ड पोजीशन पर, दोनों साइलेंट किलर को कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का जो मेंटी क्विज था बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, सर थ्योरी रहने दो, मेंटी करवा देना, सनी मेंटी होगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। ओके, सेल डिवीजन का अपन एक छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझा करके उसका मेंटी करवाऊंगा, ठीक है। भूमिका, सनी, देवांग, मौलिक, सनी, सब बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसा रहा मेंटी क्विज, कैसे रहे बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, अपने जो भी कमेंट है रिव्यू है वो लिखते रहना, और ये सेशन कैसा था उसके बारे में भी लाइक लगाते रहिए। किटकैट 5 स्टार, अब आना सब लोग। ओके, सारे बच्चे जो हैं फिर से इसी टाइम कल मिलेंगे, 5 to 6 सेशन को भूलना मत। देखिए थोड़ा सा समय आप यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसमें 10-10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास में वो अपने माइंड में फिक्स करते रहें, क्योंकि हर 10 क्वेश्चन जो है 10-10 करते हुए 100 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि नीट के लिए टाइम थोड़ा बचा है ना। और जो 11th वाले बच्चे हैं वो अभी से स्टार्ट हो जाएं, और 9th वाले बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन को ऐड करते रहो ताकि उनके पास फुल सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ओके, दिवांशु, डू यू नो मी, दिवांशु जानता हूं मैं आपको शायद, क्योंकि आप आरबीसी में थे शायद मेरे पास, अगर आप वही दिवांशु है तो। सनी, भूमिका, बढ़िया था, ओके ठीक है, बाय बाय, वेरी गुड इवनिंग, गुड नाइट, ओके बाय।
ठीक है, 5 स्टार लगाते रहिए। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।